गाइस वेलकम बैक माय चैनल माई वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। गाइस जैसे कि पटाखे फोड़े आपने भी सुने होंगे, तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की ढेर सारी बधाई। आप सबके जीवन में बहुत सी खुशियाँ आए और आपके जीवन उजालों से भरा हो। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है फेस वॉश। फेस वॉश हम सब के जीवन में बहुत ज़रूरी होता है और हम सब हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हम फेस वॉश को मार्केट से ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वही फेस वॉश को मैं आपको लेकर आई हूँ आपके सामने, ताकि आप अगर मार्केट से खरीदे वो भी ठीक है, अगर आप चाहें नेचुरल चीज़ें खुद घर पे बना के खरीदें वो भी ठीक है। आप खुद एक बार घर पे बनाए हुए पैक का इस्तेमाल करके और मार्केट से खरीदे हुए चीज़ को इस्तेमाल करके देखें, फ़र्क आपको खुद महसूस हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए आज जो मैं लेकर आई हूँ वो फेस वॉश है और मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊँगी और मैंने मार्केट से लिया है। तो मार्केट्स में आपको कुछ नेचुरल चीज़ें बिकाऊ होते हैं, ऐसे दुकान तो बहुत होते हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। और मैंने इन्हीं नेचुरल चीज़ों का पाउडर जो है वो मैंने लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। और आज मैंने इसी चीज़ का इस्तेमाल अपने वीडियो में करूँगी और इसके आपको आगे मेरे और भी वीडियो में पैक मिलते जाएंगे। तो आपको पता है कि फेस वॉश में नींबू होते हैं, नीम होते हैं, चंदन पाउडर चंदन होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का मैं इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी। हालांकि मैं आज नींबू का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि नींबू का जो फेस वॉश है वो मैं आपको बाद में अपने अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और आज जो फेस वॉश है वो ऑरेंज पील पाउडर है, नीम होगा, चंदन होगा, इन सभी चीज़ों का मिश्रण होगा। सबसे पहले बता देती हूँ गाइस, आज जो मैंने लिया है ये वाउचर, आप अगर चाहो तो मार्केट में भी आपको इन्हीं चीज़ों का मिश्रण आपको मिलेगा। तो मैं नींबू का जो फेस वॉश है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। गाइस आज अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो वाटर, आज मैंने वाटर लिया है। आप अगर चाहो यहाँ पे मिल्क ले सकते हो और आप मिल्क को इग्नोर भी कर सकते हो और वाटर भी ले सकते हो, जो आपके पास उस समय अवेलेबल हो आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस आज इन सभी को क्या करना है, मिश्रण करना है, बट उनका सेटिंग है, वन बाय वन सेटिंग आपको करना पड़ेगा। तो आज मैंने लिया क्या है वो आपको पहले दिखा देती हूँ। ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, ठीक है, और ये है चंदन पाउडर, ये है नीम पाउडर, ठीक है, एंड ये है ऑरेंज पील पाउडर, ठीक है, ऑरेंज का जो पाउडर होता है ना वो, ये है हनी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फेस वॉश के लिए, तो मैंने हनी लिया है। और एक्स्ट्रा जो मैंने लिया है वो है वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हनी का मिक्सअप नहीं करना है, सबसे पहले हमें हल्दी और चंदन का मिक्सअप करना है। सबसे ये ध्यान, ये बातें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों का हम पहले इस्तेमाल करेंगे और किन चीज़ों का बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ऑरेंज चंदन पाउडर और हल्दी पाउडर को एक साथ मिक्सअप कर देना है, ठीक है, अच्छे से इनको मिक्सअप कर देना है। तो मैंने हल्दी को चंदन पाउडर के साथ मिक्सअप कर दिया है और इसको अच्छे से मिला दिया है। तो हमने हल्दी और चंदन के पाउडर को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और इसको, इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर इसमें रख देंगे। और आपके पास अगर कुछ भी अवेलेबल हो मिक्सचप करने, जिससे अच्छा मिक्स होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसको मिक्सचप अच्छे से कर लिया है, आप देख सकते हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा कौन सा पाउडर यहाँ पे था, किस पाउडर का हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे रख दें, इसके बाद हम इसको साइड में रख देते हैं। और इसके बाद हम लेंगे ये जो ऑरेंज पील पाउडर, जैसे मैंने कहा इस वीडियो में, इस फेस वॉश में सबसे ज़्यादा काम इम्पॉर्टेंस ये ऑरेंज पील पाउडर का है। तो हम ऑरेंज पील पाउडर क्या करेंगे, हनी में मिक्सचर कर देंगे, ठीक है। ऑरेंज पील पाउडर को हम हनी में मिक्सचर कर देंगे। ऑरेंज पील पाउडर जब मिक्सचर पर, उसमें से एक आप देखना सेंट आपको मिलेगा, अगर सेंट आता है तो आप समझ जाना कि ये ओरिजिनल है, ठीक है, इसमें मिक्स आपको सेंट आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो नीम पैक रखा हुआ था, इस नीम पैक को भी यहाँ पे डाल दें। ऑरेंज पील पाउडर और नीम का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है इस इंग्रेडिएंट्स में स्पेशली, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों का यहाँ पे मिश्रण करेंगे। तो हम इन चीज़ों का यहाँ पे अच्छे से मिश्रण कर देंगे, ठीक है, हनी के सहारे इन दोनों चीज़ों का हम अच्छे से मिश्रण कर देंगे। और इसके बाद हमने जो कहा, इसके बाद हम इन चीज़ों का अच्छे से मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो मिश्रण रखा हुआ था पहले, टर्मरिक और
बाकी चीज़ों का। यहाँ पे आप वाटर के सहारे इनको मिक्सअप कर दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है क्योंकि मेरे इंग्रेडिएंट्स कम है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है और 2 चम्मच से ही यहाँ पे मेरा मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने जो भी लेते हैं उसके इस्तेमाल से ही लीजिएगा। मैं अभी इस्तेमाल करूँगी और सुबह एक बार इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने लिया है कम। इसके बाद देखिए मैंने इसको पूरा पानी पानी नहीं किया है, ऐसे ही किया है ताकि ये चीज़ें अच्छे से मिला। जब उसके बाद हम इन चीज़ों का पूरा मिश्रण करेंगे तभी आप थोड़ा सा पानी अच्छे से डालिएगा। इसका अभी देख लेते कि हमारा जो मिश्रण पहले रखा हुआ तो वो अभी हो गया है या नहीं। अब देखिए जो मैंने मिश्रण पहले रेडी किया था वो एकदम हानी था ना, इसलिए ज़्यादा कड़क हो गया है खाने, क्योंकि खाने पे जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कटक हो जाता है, उसमें से फिर गीला करना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैंने हनी बहुत कम लिया है ताकि कम हनी में पूरा मिक्सचर हो जाए। हनी का एक पैक होना चाहिए कि उनमें आप इतने ही इस्तेमाल करें। अगर आपने सभी पाउडर एक चम्मच लिया है तो हनी को सिर्फ 2 चम्मच ही ले। ठीक उसी तरह आप जैसे मैंने कहा, अगर सभी पाउडर आपने 1 चम्मच लिया है तो हनी 2 चम्मच इस्तेमाल करें, अगर सभी पाउडर आपने 2 चम्मच लिया है तो हनी का आप 4 चम्मच इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसे ही आपका इंग्रेडिएंट्स आपका मिल हो जाएगा। ये अभी इनके बाद क्या करना है, हमें एक अलग बोल लेना है, अलग बोल पे थोड़ा सा पानी रखना है और पानी में इन सभी चीज़ों का मिश्रण आपको कर देना है। थोड़ा सा पानी ले, पानी हिसाब से ले। तो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो हमने बनाया था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, अच्छे से ले ले। देखिए अच्छे से मिक्स कर, अब नीम का जो पेक था आपने बनाया आप इसको यहाँ पर मिश्रण कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हनी इसमें है तो आपको इसमें 1 चम्मच के सहारे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्द हो गया है हनी मिक्स होने के कारण। जैसे मैंने इन पे देखिए मिक्स कर लिया, लेकिन सबसे बात आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हनी का जो पैक हमने बनाया था वो हार्ड होता है, तो उसको हमने जो टर्मरिक पैक था उसमें आपको जब मिलाएंगे तो पूरा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से मिलाएं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। अच्छे से इसको आप मिक्स करते रहें, आप इसको ऐसे मिलाएं ताकि उसका हार्ड पूरा सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से इसको मिलाते रहिए, ज़्यादा पानी पानी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। ज़्यादा आपको पानी पानी ये नहीं हो सकता, और इसको बनाने के सिर्फ तुरंत बाद ही आपको इस्तेमाल नहीं करना है इसको। आप अगर आप पे कोई कोल्ड जगह है, फ्रिज है तो फ्रिज में रखें, अगर फ्रिज नहीं है तो आप एक बोल में पानी ले, बड़ा सा बोल में पानी ले और पानी में इसको बिठाए रखें, ये डूबना नहीं चाहिए, पानी में बिठाए रखें। उसके बाद एक किसी भी ढक्कन के सहारे आप इसको ढक के रख दीजिए। ये देखिए हमारा पेक ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल बहुत अच्छा पेक है और बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हो गया है। आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ उसको लगाने का तरीका। आप उसको सुबह या इवनिंग को जब भी लगाएं उसको लगाएं, लगाने के बाद उसको उसके थोड़ा सा मैसेज करें, जैसे आप फेस वॉश करते थोड़ा सा मैसेज करें और फिर उसी को आप ना धोए उसको 5 से 10 मिनट तक के लिए रख दें। उसके बाद आप एक कॉटन के सहारे धीरे धीरे उसको उबालें, उठाएं। उसके बाद अगर चाहें आप उबाले हुए पानी के आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं, थोड़ा सा उबला हुआ पानी होना चाहिए, अगर नहीं है तो नॉर्मल पानी से भी आप फेस वॉश कर सकते हो, यानी कि पूरा वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो फेस को। अगर ऐसे आप करते हो तो आपका रिजल्ट अच्छा होएगा एंड बहुत अच्छा निखार भी आएगा, ठीक है। एंड आपको मार्केट के फेस वॉश की आवश्यकता नहीं होगी, आई एम श्योर ये रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया आएगा। सो गाइस आज बहुत से पटाखों की आवाज़ आपको मिलेंगे क्योंकि दिवाली का वक्त है और मैंने दिवाली में ही ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे कल इस्तेमाल करना है, अभी भी इस्तेमाल करना है। सो आप लोग चाहो तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड बहुत अच्छा आएगा। सो फिर से बताती हूँ गाइस आप सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी जीवन खुशियों से और उजालों से भरा रहे। ओके गाइस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।